प्रणाम सभी को, राम राम। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये एसएसपी मोहन लाल जी की तस्वीर है, और सभी को मैं कहूंगा कि इस वीडियो में मोहन लाल भगत जी, जो कि अखनूर के रहने वाले लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जो सर्विसेज हैं जिनकी मैं हमेशा तारीफ करता हूं, जम्मू कश्मीर पुलिस, उनके बड़े ही जांबाज ऑफिसर हैं, इस समय एसएसपी रैंक पे हैं। और एसएसपी मोहन लाल भगत जी को एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, जिस अवार्ड का नाम है होम मिनिस्टर मेडल। और ये अवार्ड, ये मेडल जो है, उनका जो ट्रेनिंग के समय जो पुलिस ऑफिसर्स को, जो हमारे पुलिस के जो हमारे जितने भी जवान होते हैं उनको जब ट्रेनिंग देनी होती है, तो उसमें एसएसपी मोहन लाल भगत जी को यूनियन होम मिनिस्टर मेडल से नवाजा गया है। एक बड़ा ही प्रेस्टीजियस अवार्ड है, जिसके लिए मैं मुबारकबाद दूंगा मोहन लाल जी को। और उनके साथ साथ दो और पुलिस के हमारे शूरवीरों को जो है ये मेडल मिला है। मैं आपको बता दूं कि मोहन लाल जी की जो सर्विसेज हैं उन सब चीज़ों को देखते हुए ये एक बड़ा ही प्रेस्टीजियस मेडल उनको जो है यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा दिया गया है। इसके लिए मैं अखनूर के बेटे मोहन लाल भगत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इनके साथ साथ इंस्पेक्टर अशोक कुमार जी और सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मस्तान सिंह जी, इनको भी शुभकामनाएं। इनको भी यूनियन मिनिस्टर जो अवार्ड रहता है वो इनको मिला है, होम मिनिस्टर मेडल, जो कि उनको इसलिए दिया गया है कि ये बड़ी ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग कराते हैं। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जो मोहन लाल जी को जो ये यूनियन होम मिनिस्टर मेडल मिला है, ये इनको इनकी अपनी सर्विसेज के दौरान मिला है। इस समय मोहन लाल जी एसएसपी डिप्टी डायरेक्टर शेर कश्मीर पुलिस अकेडमी उधमपुर में हैं, जहां पर हमारे जो पुलिस के जितने भी जवान, जितने भी ऑफिसर्स वहां पर जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, उनको ट्रेनिंग करवाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा ये मेडल दिया गया है। उनका लगातार जो एक देश के लिए सेवा और ट्रेनिंग का जितना भी कोर्स रहता है, उन सब चीज़ों को देखते हुए मोहन लाल भगत जी अखनूर के रहने वाले हैं। इन्होंने एमएससी बॉटनी की हुई है और 1999 का इनका बैच है जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विसेज का। और साथ ही में ये राजौरी में DYSP रहे हैं, ऑपरेशन पटन डिस्ट्रिक्ट बारामूला कश्मीर में रहे हैं 6 साल, SP ऑपरेशन रहे हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में, SP रूरल जम्मू रहे हैं, उसके बाद SP ऑपरेशन डोडा फिर रहे हैं सेकेंड टाइम, SP कटरा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट SSP कठुआ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट SSP रामबन, SSP ट्रैफिक सिटी रहे हैं, जम्मू कमांडेंट IRP 10th बटालियन रहे हैं, कमांडेंट JKAP 7th बटालियन रहे हैं। और इस समय ये डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड इंडोर शेर कश्मीर पुलिस अकेडमी उधमपुर में है। तो एक बड़ा इनका कैरियर है पुलिस के साथ, और इनको जो ये अवार्ड मिला है उसके लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा। मैंने पहले भी मोहन लाल जी की तस्वीर दिखाई, मैं एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा मोहन लाल जी को जो ये अवार्ड मिला है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप सभी लोग शुभकामनाएं दें मोहन लाल जी को, और जितने भी हमारे पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनके लिए एक बड़ी अहम बात रहती है जब एक पुलिस ऑफिसर को अवार्ड मिलता है और एक बड़ा मेडल मिलता है। इसलिए मैं एक बार फिर से मोहन लाल भगत जी और उनके साथ जो दो लोगों को और अवार्ड मिला है, वो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं, उनके लिए भी मुबारकबाद दूंगा। आप भी इस वीडियो में उनको भी मुबारकबाद दें, SSP मोहन लाल जी को, इंस्पेक्टर अशोक कुमार जी, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मस्तान सिंह जी को। और मेरे साथ लिखें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद, जो दिन रात हमारी सेवा करती है, धूप हो, सर्दी हो, धुंध हो, बारिश हो, तूफान हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा से तत्पर है। हाँ, कई बार कुछ पुलिसकर्मियों की वजह से कुछ ऐसी खबरें भी बाहर आती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पुलिस के ऊपर कोई उंगली उठाए। मैं फख्र से कहता हूं कि हम लोग
आज जो सेफली सिक्योर हैं जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर, उसके पीछे हमारी पुलिस का बड़ा हाथ है। मैं सल्यूट करता हूं मोहनलाल भगत जी को और अपने जितने भी पुलिस के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो एडीजीपी मुकेश सिंह जी हैं, चाहे एसएसपी जम्मू चंदन कोहली जी हैं, चाहे डीआईजी शक्ति पाठक जी हैं, चाहे डीजीपी दिलबाग सिंह जी हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, सभी को मेरी तरफ से सल्यूट है जो जम्मू कश्मीर के अंदर हम सबको सेफ रखते हैं, सिक्योर रखते हैं। राम राम।